वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन। क्लास सेवन आई यू मैथमेटिक्स टीचर स्नेहा नाथ और आज हम अपने लेक्चर एट का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम सेवन क्लास की मैथमेटिक्स की सेम टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 से लेंगे। वो एक्सरसाइज है हमारे पास, यानी जो काम हमने आज तक करना है वो हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 से करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन टॉपिक्स के हैं वो ये हैं कि आपको रैशनल नंबर की रेसिप्रोकल के बारे में पता चलेगा कि आया रैशनल नंबर्स की रेसिप्रोकल किस तरह से की जाती है, रैशनल नंबर्स की एडिशन कैसे की जाती है और रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, यानी अगर आपके पास एक रैशनल नंबर मौजूद है तो उसका रेसिप्रोकल आप कैसे लेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज द रैशनल नंबर विच वी गेट बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर मौजूद है तो उस रैशनल नंबर को हमने जब रेसिप्रोकल में चेंज करना होगा तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करने से मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 इज 7/2। देखें, 2 पहले हमारे पास न्यूमरेटर था और 7 डिनोमिनेटर, लेकिन रेसिप्रोकल के बाद 2 डिनोमिनेटर की जगह आ गया और 7 न्यूमरेटर की जगह आ गया। यानी आपका जो रैशनल नंबर है वो उलट हो जाएगा। 2/7 को जब मैं उल्टा करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/2। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है वो है आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ 6, यानी 6 का रेसिप्रोकल निकालना। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि अगर मेरे पास सिर्फ एक नंबर मौजूद है और उसका डिनोमिनेटर मेरे पास मौजूद नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर आपके पास 1 होगा। जैसे कि यहाँ 6 दिया हुआ है, अब 6 का डिनोमिनेटर यहाँ मौजूद नहीं है तो इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 होगा। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में ये हमारे पास हो जाएगा 1/6, यानी 6 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब ये रकम उल्टी होगी तो न्यूमिनेटर की जगह 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह 6 आ जाएगा। तो इस तरह 6 का रेसिप्रोकल हमारे पास 1/6 बन जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर का है वो ये है कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर में हमेशा इक्वल होते हैं। बेसिकली जो रेसिप्रोकल है ना वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी हमारे पास एक डिवाइड में रकम मौजूद होती है, हमने उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो हमने उस रकम को उलट कर देना है, तो वो रकम हमारे पास असल में बन जाएगी फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास रेसिप्रोकल का वो ये कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर मेरे पास रकम मौजूद है 0, तो 0 का डिनोमिनेटर मेरे पास कुछ नहीं है और मैं फर्स्ट कर लेती हूँ 1 है, तो जब मैं उसको उल्टा करूँगी तो 1/0 बन जाएगा। तो हमारे पास 1/0 जैसी कोई रकम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मौजूद ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई नंबर आपके पास मौजूद नहीं है कि जिसका डिनोमिनेटर 0 आए। रैशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स कहलाते हैं जिनका डिनोमिनेटर 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर आ जाता है, सॉल्व ही नहीं होता। 0 के साथ अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो तो ख़त्म ही नहीं होता, वो सो ऑन चलता जाता है। इसलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 2.2 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। पहला क्वेश्चन जो इसका हमारे पास मौजूद है, पहला पार्ट मौजूद है वो है 19 डिवाइडेड बाई 17। 19 डिवाइडेड बाई 17, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगी तो अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल के मुताबिक
के बारे में बताया कि रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 17 19 की जगह आ जाएगा और 19 17 की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से रकम उलट करके मेरे पास बन जाएगी 17/19। दूसरा पार्ट जो मेरे पास दिया हुआ है वो है -13। जब मैं सोल्यूशन करूँगी तो अब देखें आपके पास सिर्फ 13 मौजूद है, 13 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 13 के डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मेरे पास आ जाएगा 1/13, और ये माइनस जो 13 के साथ मौजूद है वो पूरी रकम पर आ जाएगा, यानी 1/13 पूरी की पूरी माइनस की हो जाएगी। तीसरा पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो है 1/10। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे और रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इन्वर्स होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा। तो इन्वर्स में हमारे पास बन जाएगा ये सिर्फ 10, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 हो तो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह चौथा पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो है -6/25। इसका जब मैं रेसिप्रोकल निकाल -6/25 का, तो 25 6 की जगह आ जाएगा और 6 25 की जगह, यानी 25/6 और पूरी रकम के साथ आपके आ जाएगा माइनस, ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का पहला सवाल हमारे पास है 9/7 + 15/7, यानी अब इसमें हम सीखेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स की एडिशन कैसे की जाती है। 9/7 + 15/7, अब आप देख सकते हैं कि देखें इसका डिनोमिनेटर एडिशन है, हमारे पास दो केसेस थे, सेम डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सेम डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या आ रहा है 7 and 7, देखें ये 7 और ये 7 दोनों सेम है ना, तो जब सेम डिनोमिनेटर्स आपके पास मौजूद हों तो आप एक बार लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं एक बार, तो 7 एक बार आ गया और न्यूमिरेटर्स को प्लस कर लिया जाता है, न्यूमिरेटर्स को क्या कर दिया जाता है प्लस, यानी 9 में 15 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 24/7, क्योंकि 7 और 7 मेरे पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर कॉमन, तो एक बार आ गया और 9 और 15 न्यूमिरेटर्स को मैंने ऐड कर दिया तो 24/7 इसका आंसर आया हमारे पास। तीसरा पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 3/5 -(-7/5). अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दो बार माइनस है, एक माइनस ये रहा एक ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर सीखेंगे कि अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो कैसे करेंगे, लेकिन दो बार माइनस की साइन आ रही है, एक ब्रैकेट से बाहर है एक ब्रैकेट से अंदर है, तो ये साइन साइन से क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस 3/5 प्लस 7/5। अब देखिए डिनोमिनेटर्स दोनों के क्या आ रहे हैं सेम, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 और 5 दोनों सेम हैं तो एक बार हम लेंगे, कितनी बार लेंगे एक बार, और न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी 3 और 7 को क्या कर दिया हमने प्लस, यानी 3+7/5, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम थे तो एक बार आ गया, 7 और 3 को प्लस किया 10/5। अब देखें ये 10/5 है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे कि अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो डिनोमिनेटर मेरे पास है 5 के टेबल में 2 times क्या आता है 10, यानी 5 के टेबल में 10 कहाँ तक आता है 2 तक, तो इसलिए 5 1 5 मैं और 5 2 10, यानी मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया 2। अब इसका चौथा पार्ट जो मेरे पास दिया हुआ है वो है -2/7 + 7/6। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ है, यानी एक सवाल के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साइन दी गई हैं। अब जब दोनों साइन एक ही सवाल में मौजूद हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, -2/7 + 7/6, और देखें दोनों का डिनोमिनेटर भी डिफरेंट आ रहा है, इसका 7 है और इसका क्या है 6। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा देखते हैं। चलें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी 7 है और 6 है,
इनके टेबल्स में या इनका कोई मल्टीपल सेम आ रहा है, यानी सेवन के टेबल में और सिक्स के टेबल में क्या कोई मल्टीपल सेम आ रहा है, हमने ये देखना है। तो जब हमने सेवन और सिक्स के मल्टीपल्स को देखा, उन पर नज़र डाली, तो हमें पता चला कि सेवन के टेबल में सिक्स तक सेवन सिक्स या 42 आता है और सिक्स के टेबल में सेवन तक 42 आता है। दोनों में हमारे पास 42 मल्टीपल कॉमन आ रहा है। तो मैंने सेवन को सिक्स और सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई किया, तो जब डिनोमिनेटर सेवन सिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका न्यूमिनेटर भी सिक्स से मल्टीप्लाई होगा। देखें फर्स्ट वाले की तरफ आप देखें कि अगर सेवन को मैं सिक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसके न्यूमिनेटर को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, सिक्स से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है प्लस का सिंबल। उसके बाद दोबारा दूसरे रैशनल नंबर पे देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है सिक्स, उसको सेवन से हम मल्टीप्लाई करें, किससे करें, सेवन से। तो जब इसका डिनोमिनेटर सेवन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेवन से। यानी जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उसी से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद है बाद वो है 6 2 12 यानी -12 प्लस 7 7 49, 7 6 42 एंड 7 6 42। अब आप देख सकती हैं कि ये दोनों में कॉमन मल्टीपल था, 7 और 6 में। तो अब ये दोनों कॉमन मल्टीपल आ गए, डिनोमिनेटर के तौर पर भी ये दोनों मेरे पास सेम आ गए। तो अब ये जब दोनों सेम है तो मैं कितनी बार लिखूंगी इसे, एक बार। अब यहाँ मेरे पास -12 है और +49 है। जब 42 मैंने एक बार लिख लिया और -12 +49, अब एक माइनस का है नंबर और एक प्लस का है। तो जब माइनस और प्लस दोनों साथ आ जाएं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सैम्बल्स के लिहाज से माइनस प्लस हमारे पास हो जाता है माइनस। माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस इक्वल टू माइनस के इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ हमने जो फंक्शन, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन दोनों नंबर्स के दरमियान, वो माइनस का है। कौन सा है, माइनस का। या आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जहाँ माइनस हो और प्लस हो, दोनों ऑपरेशन मौजूद हों, वहाँ आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी ऑपरेशन आपने माइनस का करना है। प्लस और माइनस दोनों मौजूद हैं तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। 49 में से 12 को माइनस किया तो मेरे पास आया 37। अब आंसर के साथ जो आपने साइन देनी है ना, आंसर के साथ साइन आपने बड़ी अमाउंट की देनी है। जो बड़ा नंबर होगा ना उसकी साइन आंसर के साथ आएगी। करेंगे आप माइनस ही लेकिन साइन बड़े नंबर की देंगे। तो बड़ा नंबर मेरे पास यहाँ क्या है, 49। 49 के साथ प्लस है तो इसलिए 37/42 के साथ भी प्लस आ गया। इसके बाद जो इसका नौवा पार्ट है वो है आपके पास 2/9 माइनस ब्रैकेट -3/6 +5/8। अब आप फिर देख सकते हैं कि इस सवाल में भी माइनस भी मौजूद है और प्लस भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। 2/9, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों साथ आ रही हैं तो साइंस की मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होगा यहाँ, यानी माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3/6 +5/8। अब पहले मैं फर्स्ट टू रैशनल नंबर्स को सॉल्व करूँगी, यानी 2/9 और 3/6 को सॉल्व करूँगी। 9 के टेबल में और 6 के टेबल में, यानी 9 और 6 का कोई मल्टीपल कॉमन है या नहीं, मैं ये चेक करूँगी। 9 2 18 एंड 6 3 18, फर्स्ट स्टेप पर ही मेरे पास कॉमन आ रहा है कि 9 के टेबल में 2 टाइम्स अगर मैं करूँ तो 18 आ रहा है और 6 के टेबल में 3 टाइम्स तक 18 आ रहा है। अभी मैं फर्स्ट टू रैशनल नंबर को सॉल्व कर रही हूँ इसलिए यही लूँगी, 5/8 फिलहाल साइड पर कर दूँगी। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिनोमिनेटर को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमिनेटर को भी आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसके न्यूमिनेटर 2 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। इसी तरह अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसके न्यूमिनेटर 3 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप पर मेरे पास आ रहा है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया मेरे पास 2 2 4/9 2 18 प्लस 3 3 9
अपॉन का सिंबल मिलेगा, 6 3 18 प्लस, अब इसका तो फंक्शन हम परफॉर्म नहीं करे थे इसलिए सेम एज इट इज़ ये नीचे कर जाएगा 5.8। नेक्स्ट स्टेप पर अब देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए, ये भी 18 है और ये भी 18 है, तो दोनों सेम डिनोमिनेटर्स को मैंने एक बार लिखा 18, बचा मेरे पास न्यूमिरेटर का काम, तो न्यूमिरेटर जब डिनोमिनेटर सेम है एक बार आ गया तो इनके न्यूमिरेटर्स को मैंने करना है ऐड, यानी 4 प्लस 9 और प्लस 5.8 का फ़िलहाल कोई काम नहीं है इसलिए ये साथ साथ चलता जाएगा, यानी 5.8 को नीचे उतार लिया मैंने। 4 और 9 को जब मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आया 13/18 प्लस 5.8। अब मेरे पास दोबारा देखिए 13/18 एक रैशनल नंबर आ गया, 5.8 एक रैशनल नंबर आ गया, इन दोनों के दरमियान हो रही है एडिशन। अब वही कि मैं डिनोमिनेटर्स चेक करूँगी कि आया डिनोमिनेटर्स में कोई मल्टीपल कॉमन आ रहा है या नहीं, 18 और 8 है तो 18 का टेबल में अगर 4 तक पढ़ूँ तो मेरे पास 72 आता है, सेम 8 का टेबल में 9 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 72, यानी 18 और 8 में 72 कॉमन मल्टीपल है। तो 13 को मैंने किया 4 से मल्टीप्लाई, क्यों, इसलिए कि इसका डिनोमिनेटर हो रहा था 4 से मल्टीप्लाई। 5 को किया मैंने 9 से मल्टीप्लाई, क्यों, इसलिए कि इसका डिनोमिनेटर यानी 8 हो रहा था 9 से मल्टीप्लाई। तो 13 4 ज़ा 52 अपॉन 18 4 ज़ा 72 प्लस 5 9 ज़ा 45 8 9 ज़ा 72 72 and 72 बोथ आर कॉमन डिनोमिनेटर, 72 and 72 जब दोनों कॉमन है तो मैंने ले लिया एक बार, और न्यूमिरेटर्स को आपस में ऐड कर लिया यानी 52 प्लस 45 जब ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 97/72। यहाँ आज का मेरा काम हुआ ख़त्म। होमवर्क जो इस एक्सरसाइज के हवाले से आपका है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का अपनी कॉपीज़ में लिखना है कम्प्लीट। 4 पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं, इसके अलावा जो पार्ट रह गए हैं ये चारों पार्ट भी आपने अपनी कॉपी में करने हैं, और इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो भी आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।